Hi guys, welcome to another vlog. My name is Amit and today we are back with another amazing video from sunny Belfast. Aaj bahut bahut acha mausam hai, proper summer chalu ho gaya. It's May time here in UK, but this is Botanic Gardens we are in right now. Channi, show a little bit, no? So everyone is aram kar rahe hain, sab log baithe hue hain, badhiya se chill kar rahe hain, people are reading books and Channi, tumhari naak bhi aa rahi thi. तुम भी हाय बोल दो कैमरे पे. तो आज का वीडियो बहुत बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है, रिलेटेड टू व्हाट वी आर डूइंग इन यूके. लाइक वी हैव स्टडीड फाइनेंस एंड अकाउंटिंग एंड वी आर वर्किंग इन द सेम एरिया राइट नाउ. तो मैंने सोचा वील मेक अ वीडियो ऑन व्हाट ऑल सर्टिफिकेशन यू नीड टू हैव और यू शुड हैव टू हैव अ रियली गुड जॉब इन यूके. तो क्या होता है, बहुत बार जो आपकी कॉलेज डिग्री है उसके अलावा भी यू नीड टू गो फॉर सम अदर काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन, सम एक्स्ट्रा एज टू गेट अ रियली गुड जॉब. तो ये जो सर्टिफिकेट, आज हम पांच ऐसे अच्छे बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्टिफिकेशंस की बात करेंगे जो फाइनेंस में आपको अलग, क्योंकि फाइनेंस इज अ वेरी ब्रॉड अम्ब्रेला जिसमें बहुत सारे अलग अलग जॉब्स आते हैं. जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का जॉब आएगा, अकाउंटिंग साइड के जॉब्स आएंगे, ऑडिटिंग के जॉब्स रहेंगे, कंट्रोल के, फाइनेंशियल कंट्रोल वगैरह के जॉब रहेंगे. दिस ऑल विल कम अंडर फाइनेंस एंड अकाउंटिंग एरिया. सो डिपेंडिंग ऑन विच जॉब और विच साइड ऑफ करियर यू वॉन्ट टू मेक, तो उस तरह का आपको कोई ना कोई ऐसा सर्टिफिकेशन भी करना पड़ेगा. जैसे एक मेरे फ्रेंड की बहुत अच्छी अभी जॉब लगी है लंदन में इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग साइड. तो अभी तो उसकी थोड़ी एंट्री लेवल पे जॉब है, बट उसने एक सर्टिफिकेशन किया CFA, जिसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे. तो उस वो करके उसको जॉब लग गया है इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने का. तो अगर आपको वो करना है, इसी तरह एक मेरा फ्रेंड ऑडिटर है, ही हैज स्टडीड ACCA. आई एम ऑल्सो डूइंग अ सीमा विच इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उस पर भी बात करेंगे. चांदनी इज डूइंग ACCA. चांदनी से हाय. सो चांदनी इज डूइंग ACCA एंड आई एम डूइंग सीमा. इसी तरह बहुत सारे लोग ACA कर कहते हैं. तो आज से पांच अलग अलग सर्टिफिकेशन पे ऑन तो है ना. अच्छा तुम लोगों को देख, मैंने कहा ऐसा तो मैं पूरा 10 मिनट, एक बार ऐसा हुआ मैं वीडियो बनाता गया बोलता गया और फिर तो सबसे पहले बात करेंगे CFA. तो मैंने ऐसे पांच ऐसे सर्टिफिकेशन कोर्स की बात करेंगे. सबसे फर्स्ट वन इज CFA, विच इज चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट. तो CFA में तीन लेवल होते हैं और जरूरी नहीं है आप तीनों लेवल करो टू गेट अ जॉब. अगर आपने लेवल वन किया है तो इट विल ऑल्सो बी वेरी बेनिफिशियल. अभी CFA में बहुत सारे चेंजेस आए हैं रिसेंटली इन टर्म्स ऑफ एग्जाम में क्या पूछते हैं. थोड़ा वेटेज चेंज किया है, एथिक्स मॉड्यूल थोड़ा चेंज किया है. तो CFA लेवल वन में 10 एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि देर इज वन एग्जाम कॉल्ड FRM फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, देर इज वन एग्जाम कॉल्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इसी तरह के और भी बहुत सारे एथिक्स के एग्जाम होते हैं और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के एग्जाम होते हैं. तो CFA इज अ वेरी वेरी ग्रेट सर्टिफिकेशन टू टू हैव द ओवरऑल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग एक्सपीरियंस. तो अगर आप CFA, अगर आप अनश्योर हो फाइनेंस में अपना करियर बनाना चाहते हो, बट आप इतना श्योर नहीं हो किस फील्ड में कौन से एरिया में जाना चाहते हो, तो डेफिनेटली गो फॉर CFA, बिकॉज CFA विल हेल्प यू टू गेट नॉलेज अबाउट एवरी एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस, वेदर इट्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वेदर इट्स हाउ टू डू अकाउंटिंग, अबाउट नोइंग डिफरेंट IFRS स्टैंडर्ड्स एंड सो ऑन. उसके बाद सेकेंड बात करते हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक सर्टिफिकेशन होता है CAIA, चार्टर्ड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट. ये दिस इज अगेन अ वेरी गुड, बट दिस इज स्पेसिफिक टू वन पर्टिकुलर एरिया ऑफ फाइनेंस. तो ये वैसा वाला नहीं है, इतना जेनेरिक नहीं है. तो अगर आप ऑलरेडी श्योर हो, तो जैसे अगर आपको इफ यू वॉन्ट टू वर्क एज in hedge funds, if you want to work in venture capital, if you want to work in private equity, if you want to go and make your career in real estate financing, so this course is extremely beneficial, CAIA. और ये comparatively इतना difficult नहीं होता है जितने बाकी के course, बाकी के professional certification course की अपन बात करने वाले हैं. जैसे CFA, I feel level 2 and level 3 are much more difficult. So this is the second one. So if you want to make career in alternative side of finance, alternative investment side, then this is a very very good course to do, especially in UK and Ireland. इसी तरह third बात करेंगे अब accounting side पे बात करेंगे. तो third is ACA. तो accounting में दो या तीन अलग अलग, बल्कि और बहुत सारे अलग अलग country
कंट्रीज के अलग अलग होते हैं, जैसे इंडिया में इंडियन सीए होता है, इसी तरह यहाँ पे एसीए करके एक होता है जो काफी चलता है। एसीए क्वालिफिकेशन इज हाईली वैल्यूड, और एसीए यूके में बहुत रिकॉग्नाइज्ड है। द अवार्ड कम्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स। ऑन कम्प्लीशन यू क्वालिफाई एज चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड पासिंग 15 मॉड्यूल्स एंड कम्प्लीटिंग 450 डेज ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। तो ये इसकी क्राइटेरिया है। 15 एग्जाम होते हैं एसीए में और आपको 450 डेज का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, तो तकरीबन 1.5 साल का आपको वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और ये वर्क एक्सपीरियंस आपको इसी तरह अगले अगले अकाउंटिंग प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन की बात करते हैं जो है एसीसीए। एसीसीए में 13 एग्जाम्स होते हैं, तो पहला है एसीए जिसमें 15 एग्जाम्स होते हैं, सेकेंड इज एसीसीए। एसीसीए इज अगेन, इफ यू आर एसीसीए देन यू आर अ फुली क्वालिफाइड अकाउंटेंट। यूके में रिकॉग्नाइज्ड है, आयरलैंड में रिकॉग्नाइज्ड है, बहुत सारे इसके जॉब्स हैं, ऑडिटर से लेके मोस्टली फाइनेंस अकाउंटिंग साइड पे। अगर आप क्वालिफाइड अकाउंटेंट हो तो यू आर एलिजिबल फॉर ऑल दो जॉब्स। और तो एसीसीए में 13 एग्जाम्स होते हैं टोटल, और अगर आप कोई इस तरह का डिग्री करते हो तो आपको बहुत सारे एग्जेम्पशंस भी मिलते हैं अगर आप फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में करते हो। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी कोर्स कर रहे हो अपने कॉलेज में, तो आप एक बार वो चेक करो कि कितने एग्जेम्पशन मिलते हैं आपको एसीसीए के। और उसके बाद इसी तरह फाइनल पांचवें प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो वो है सीमा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से बोलते हैं। और ये भी दिस इज ऑल्सो आफ्टर डूइंग दिस यू विल ऑल्सो बिकम अ फुली क्वालिफाइड अकाउंटेंट एंड यू आर एलिजिबल फॉर ऑल दोज रोल्स दैट आई मेंशन्ड बिफोर आप। बट ये थोड़ा मैनेजमेंट साइड पे ज्यादा रहेगा। सो इफ यू आर लुकिंग टू डू जॉब्स इन बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, FP&A, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, अगर उस तरह के आपको कोई जॉब्स में जाना है तो उसके लिए सीमा इज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल। सीमा में तीन मेन ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं। पहला होता है ऑपरेशनल लेवल, सेकेंड होता है मैनेजमेंट लेवल, और थर्ड होता है स्ट्रेटेजिक लेवल। तो इसका स्ट्रक्चर सीमा का इस तरह का होता है कि इन एवरी एवरी ऑफ दिस लेवल, ऑल थ्री लेवल्स विल हैव थ्री एग्जाम्स एंड वन केस स्टडी। तो आप पहले एग्जाम ऑपरेशनल लेवल पे आपको तीन एग्जाम देने पड़ेंगे और एक केस स्टडी देना पड़ेगा। इसी तरह मैनेजमेंट में भी तीन एग्जाम दोगे आप और एक केस स्टडी देना पड़ेगा। और स्ट्रेटेजिक में भी सेम है, इसमें केस स्टडीज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। और केस स्टडी इस तरह का रहता है सीमा में कि आपको ऑलरेडी प्री सीन मटेरियल वो रिलीज कर देते हैं एग्जाम से कुछ 1 महीने 1.5 महीने पहले, जो आप ऑनलाइन जाके डाउनलोड कर सकते हो। एंड देन यू हैव टू गो थ्रू इट, इट्स अ वेरी लॉन्ग मटेरियल, लाइक अराउंड 30-40 पेजेस। एक कंपनी के बारे में पूरा पूरा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी, बोर्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में होगा, उनके कॉम्पिटिटर्स के बारे में होगा, कौन सी इंडस्ट्री में वो कंपनी है उसके बारे में होगा। तो आप लोगों को वो इंफॉर्मेशन से जितना एनालिसिस आप कर सकते हो पहले से करके आप अपने पास रखोगे, और फिर एग्जाम में यू विल हैव नो आइडिया वो क्या पूछने वाले हैं, बट ऑब्वियसली इट विल बी रिलेटेड टू द प्री सीन। तो इसी तरह का हर एक लेवल पे एक केस स्टडी रहेगा, और ये केस स्टडी पास करना इज वेरी चैलेंजिंग। तो ये पांच तरह के ऐसे कोर्सेज हैं। पहला हो गया CFA, सेकेंड इज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट CAIA, थर्ड इज ACCA, फोर्थ इज ACA एंड फिफ्थ इज सीमा। तो इफ यू लाइक दिस लंबा हो गया क्या वीडियो? ओ, बोर हो गए क्या तुम? If you like this video, guys, then please do subscribe the channel. And we are going today to watch IPL final as well. Abhi IPL final Chennai and Gujarat is playing, so I am supporting Chennai. And yes, so Gujarat will win. Let's see abhi kya hota hai. So I'll see you guys in the next one.